कांग्रेस के 23 नेताओं की चिट्ठी लिखने के बाद से पार्टी में घमासान छिड़ा हुआ है। दिग्गजों का नाम सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इनका भी मोह भंग हो गया है। इस चिट्ठी के बाद कांग्रेस के नेता निशाने पर आ गए हैं, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री, लोकसभा सांसद और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने आज खुलासा किया है कि आखिर उन्होंने वो खत क्यों लिखा था। कांग्रेस पार्टी एकजुटता की कोशिश करती है, लेकिन नेताओं की बगावत से उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखकर पार्टी की चिंता बढ़ा दी। इस खत के बाद मनमुटाव का दौर और तेज हो गया है। हालांकि नेता कह रहे हैं कोई खटास नहीं है, लेकिन गाहे बगाहे विरोध के सुर निकल ही जाते हैं। चिट्ठी लिखने वाले नेताओं में मनीष तिवारी का नाम भी शामिल था। उन्होंने आज खुलकर पार्टी के खिलाफ खत लिखने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज गहन चुनावी, वैचारिक और संगठनात्मक चुनौतियों का सामना कर रही है। चुनौती 2014 और 2019 के चुनावों में हमारी लगातार दो हार और देश भर में हमारे कम हो रहे पदचिन्ह से रेखांकित है। एक समग्र चुनावी कायाकल्प 2024 में कांग्रेस के लिए एक शानदार रास्ते पर होना महत्वपूर्ण है। वर्तमान में हम उस राह पर नहीं हैं, इसलिए सोनिया गांधी को शानदार रास्ते पर होना महत्वपूर्ण है। इसलिए सोनिया गांधी को पत्र लिखकर समस्या का समाधान करने की अपील की गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि गांधी परिवार से उनका भरोसा अभी खोया नहीं है। मैं सोनिया गांधी का उतना ही सम्मान करता हूं जितना अपनी माँ का। उन्होंने 19 सालों तक गरिमा, संवेदनशीलता और संभाव के साथ हमारा नेतृत्व किया और दो सरकारों को बनाने और दिशा देने के लिए वही जिम्मेदार थी। अगर हम उनके प्रति विश्वास खो चुके हैं तो क्या आपको लगता है कि हमने सामूहिक रूप से उन्हें चिट्ठी लिखी होगी? मैं पिछले 21 सालों में मुझे दिए गए सभी अवसरों के लिए सोनिया गांधी का बहुत आभारी हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के भविष्य के बारे में भी बताया। मनीष तिवारी ने कहा कि मैंने ये नहीं सोचा कि कितने लोग इकट्ठा होंगे। यहाँ तक कि अगर मैं एक अल्पमत में होता तो भी मैं गंभीर मुद्दों पर हस्ताक्षर करता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी समस्याओं को पहचानना होगा। हम आंतरिक रूप से लगातार अपनी बात रखते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि पार्टी फिर से मजबूत बनेगी। अब मनीष तिवारी तो एकजुटता की बात कह रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या वाकई पार्टी संभल पाती है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।